नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ईसाई धर्मांतरण के दबाव से परेशान लवण्या की आत्महत्या से मृत्यु होने पर हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। तमिलनाडु शासन द्वारा ठोस कार्रवाई न होने पर किया विरोध प्रदर्शन। धर्मांतरण बाद कथित ईसाई मिशनरियों के विरोध में नारे लगाए। फूलबाग चौराहे पर कैंडल जलाकर न्याय व सीबीआई जांच की मांग। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। जी हां, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में ईसाई धर्मांतरण के दबाव से परेशान बहन लवण्या की आत्महत्या से मृत्यु होने पर हिंदू संगठनों का आज गुस्सा फूट पड़ा। पीड़िता लवण्या की आत्महत्या से मृत्यु होने पर तमिलनाडु शासन द्वारा ठोस कार्रवाई न होने पर व धर्मांतरण व कथित ईसाई मिशनरियों के विरोध में फूलबाग चौराहे पर कैंडल जलाकर नारे लगाकर शहर के हिंदू संगठनों ने न्याय व सीबीआई जांच की मांग की। आज के प्रदर्शन में अजीत सिंह परमार, अभिषेक तोमर, सूर्या अपने साथियों के साथ मौजूद रहे। धर्मांतरण कराने वालों को लावण्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लावण्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। धर्मांतरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अवैध मिशनरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध मिशनरी बंद करो, बंद करो। धर्मांतरण करने वालों को झूठे मारो सालों को, लावण्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लावण्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धर्मांतरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मिशनरी ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिशनरी ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मिशनरी ड्रामा बंद करो, बंद करो, बंद करो।